हाय बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर वन में जो पढ़े थे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें परसेंटेज, मोलारिटी, देन नॉर्मलिटी तक आए थे और इक्विवेलेंट वेट निकालना और कुछ क्वेश्चन भी मेंशन किए थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन फार्मूला लिखे हैं और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो देखिए आगे। देखिए हम लोग मोलारिटी पढ़े थे और नॉर्मलिटी भी पढ़े हैं, तो इंटररिलेशन है नॉर्मलिटी मोलारिटी में कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, किसी एसिड का नॉर्मलिटी निकालना हो और उसका मोलारिटी दिया हो तो कैसे निकालेंगे। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इजकल टू बेसिसिटी इंटू मोलारिटी, वैसे ही नॉर्मलिटी ऑफ बेस इजकल टू एसिडिटी ऑफ बेस इंटू मोलारिटी। और इसी पर ये दो क्वेश्चन हम लोग दिए हैं कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 2m, ए मतलब मोलारिटी, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो ये H2SO4 क्या है, एसिड है, तो इसका हम लोग नॉर्मलिटी क्वेश्चन वन कैसे बनाएंगे। नॉर्मलिटी इजकल टू हमारा बेसिसिटी H2SO4 का कितना है, बेसिसिटी H2SO4 का आप जानते हैं कितना है, 2 है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल H+ आयन है, किसमें, H2SO4 में, इसलिए यहां हम दे देंगे 2 इंटू मोलारिटी कितना है 2, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये कितना हो गया 4 आंसर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, उसके मोलारिटी को बेसिसिटी से, बेसिसिटी आप जानते हैं एसिड का बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, और बेस का एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, मैंने सर प्रीवियस लेक्चर में देखा। ये फिर कैसे करेंगे, n इक्वल टू हमारा इसका OH- का COOH2 का एसिडिटी, इसमें रिप्लेसेबल OH- कितना है 2, तो मेरा इसका COOH2 का जो बेस है उसका एसिडिटी कितना होगा 2, और मोलारिटी कितना है 0.3, तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे इतना 0.6, ये n, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक ये फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, यदि परसेंटेज में दिया हो क्वेश्चन तो एक बनवाए भी थे, देखिए यहाँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 इनटू डेंसिटी बाय इक्विवेलेंट वेट। मोलारिटी निकालना हो तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 इनटू डेंसिटी इनटू, इसी पर एक क्वेश्चन है, देखिए डिटरमाइन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 10% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये देखिए 10% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय मास। हम कहे थे परसेंटेज वेट जो मास परसेंटेज है उसको W/W से भी दे सकता है, सीधा बाय मास भी लिख सकता है, तो देखिए यही हो गया। इफ डेंसिटी दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी मोलारिटी, देखिए इसको हम बना रहे हैं यहाँ, देखिए तो नॉर्मलिटी इजकल टू परसेंटेज वेट, परसेंटेज कितना है 20 इंटू 10, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.1, बाई नॉर्मलिटी के केस में इक्विवेलेंट वेट है, आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी पढ़े हुए हैं, बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट बाई बेसिसिटी एसिड क्या वैसे, तो इसमें H2SO4 दो हो जाएगा, ये हो गया, देखिए कितना हो गया 49, और वही आप इसका मोलारिटी यदि निकालेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू इंटू 10 टू 1.1 बाई 98, इस पर बैठा देंगे, सिंपल है, कोई बात नहीं। और एक और रिलेशन था नॉर्मलिटी मोलारिटी वाले, मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, देखिए क्वेश्चन है ऐसे, ये फार्मूला इससे रिलेटेड है इसलिए कोई विशेष नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको भूल जाते हैं तो आप इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो कॉपी कीजिए देन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट फार्मूला को यहाँ लेकर के आए हैं, एक शब्द है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा, यानी इसका कोई क्लियर कट नहीं है, लेकिन यदि बहुत वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो तो उसको हम डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें एक रिलेटिवली थोड़ा सा सॉल्यूट ज़्यादा हो
तो उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो हम यहाँ एक लाए हैं, देखिए फॉर डाइल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूशन। मान लीजिए कि यहाँ देखिए ये मेरा कोई सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है, ठीक। इसमें हम पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन करते हैं मतलब सॉल्वेंट मिलाते हैं। ये देखिए यस, इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये जो हो गया कितना, यहाँ तक, पहले यहाँ तक था, अब ये बढ़ करके यहाँ तक हो गया, तो इसका निश्चित रूप से वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया, जब भी वॉल्यूम चेंज हो गया तो नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये रिलेशन से आप ये बना सकते हैं, ये नॉर्मलिटी पहले वाला नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम पहले वाला है, उसमें डाइल्यूशन किए, देन उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला करके निकाल सकते हैं, इसमें जो नॉर्मलिटी के जगह पमोलारिटी भी हो सकता है, यानी ये जो सोल्यूशन N1 लिख रहे हैं वहाँ N1 हो तो ये हो गया। जैसे इस पर एक क्वेश्चन है, फिर वैसे ही है, 200 ml इक्वल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का है, वैसे ही 200 ml इसका कितना है, V1 है, नॉर्मलिटी इसका कितना है, 2N है, उसमें पानी मिला दिए, डाइल्यूशन कर दिए मतलब पानी मिला दिए, देन वो वॉल्यूम उसका कितना हो गया, 500, तो उसका नॉर्मलिटी बताइए, ये इनटू बताइए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इनटू आप निकाल लीजिए, ठीक है, आसान है ये सब, ठीक है। अब जरा देखिए ये दूसरा है, टू सैंपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। मान लीजिए कि ये दो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन है मेरा, देखिए दो सॉल्यूशन है लेकिन सेम सब्सटेंस का है। मान लीजिए कि इसमें भी शुगर है और इसमें भी शुगर है, दो सैंपल है इसका, दो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन है इसका, नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। ये सैंपल ऑफ सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक है। अब इस एक बड़ा सा डब्बा में इस दोनों को आप इंटरमिक्स कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं दोनों को, तो इस समय इसका फाइनल नॉर्मलिटी N1 ये कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा ऐसे, कैसे, N1 V1 ये है प्लस N2 V2 ये है, और जब मिला दिए तो यहाँ क्या हो गया, NR और हमारा वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये आप इसका निकाल लेंगे तो ऐसे। लेकिन ये कब है, दो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस जब मिलाते हैं तब, और तब मिलाने के बाद उसका फाइनल नॉर्मलिटी हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। जबकि इसमें क्या है, सेम सैंपल ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें डाइल्यूशन करते हैं तो देन वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो नॉर्मलिटी चेंज हो जाता है, तब ये खड़ी। तो इसी पर ये क्वेश्चन है, ये देखिए इसी पर बैठाया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलिटी के जैसे ये फॉर्मूला ऐसे ही है, वैसे ही आपका M1 V1 प्लस M2 V2 इजकल टू M1 V1 प्लस V2, यानी नॉर्मलिटी के जगह पर मोलरिटी भी रहे इसका, तो भी हम ये फार्मूला लगा देंगे, सेम ये क्वेश्चन है ऐसे करें। अब कहता है दो एसिड और बेस, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, ये M है, M1 V1, ये M2 V2 है, मिला दिए तो रिजल्टिंग MR निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है जब दो एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, तो उस समय देखिए Na into Va इजकल टू NbVb, इसमें से ये नॉर्मलिटी एसिड है, ये वॉल्यूम एसिड का है, वैसे ही ये बेस का है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। आप कभी कभी जब दोनों जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का वो नॉर्मलिटी यदि सॉल्ट का पूछ जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप ऐसा बनाएंगे। चलिए कॉपी कीजिए, देन हमारा है मोलालिटी। देखिए मोलालिटी को समझने के लिए हम यहाँ तीन ऐसे बनाए हैं, फोटो बनाए हैं। देखिए ये मेरा माल सॉल्यूशन है, ये पानी का सॉल्यूशन है, ये पानी है, इसमें आप एक मोल ग्लूकोज डाल दिए। एक मोल ग्लूकोज मतलब Na कितना, Na बराबर WA/GMW होता है, तो एक मोल मतलब ग्राम मोलिकुलर वेट के बराबर, GMW ग्लूकोज का 180 होता है, उतना वेट के बराबर यदि आप इसमें घुला देते हैं, ग्लूकोज घुला देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक मोल। तो एक मोल जब आप पानी में घुला दिए और घुलाने के बाद इसका वॉल्यूम 1 लीटर,
एक लीटर हो गया, तो ये आपका ये मोलारिटी कहलाता है, मोलारिटी। पढ़े चलिए, अब यहां देखिए इसमें नॉर्मलिटी क्या है, सो देखिए नॉर्मलिटी में क्या था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है डब्ल्यू ए बाई इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इक्विवेलेंट वेट के बराबर आप इसमें क्या कर दीजिएगा, वेट ले लीजिएगा, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर यदि हम इसमें घुला देंगे तो, और घुला देने के बाद, घुला देने के बाद इसका वॉल्यूम होना चाहिए कितना, 1 लीटर, तो ये हमारा नॉर्मलिटी हो जाएगा। मोलालिटी क्या है, बताया हुआ है मोलालिटी क्या है, सो देखिए यदि आप एक मोल सॉल्यूट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, और घुलाने से पहले यानी सॉल्वेंट में, ये दोनों में क्या था, घुलाने के बाद, घुलाने से पहले सॉल्वेंट का वेट क्या था, वॉल्यूम था, उससे कोई मतलब नहीं, घुलाने के बाद तो वो सॉल्यूशन हो जाता है, उस समय वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। यहां क्या है मोलालिटी में, घुलाने से पहले जो आप सॉल्वेंट लेंगे उसको आप वेट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो होना चाहिए आपका कितना, 1 kg, और उसमें आप 1 मोल घुला दे रहे हैं। अब घुला देने के बाद ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ या वेट कितना हुआ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यही है, तो आप देख लीजिएगा। तो आप लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, यदि 2 मोल डिजॉल्विंग पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देखिए 1000 ग्राम, तो यानी आप 1 मोल घुला देते हैं कितना, 1 kg सॉल्वेंट में, तो मोलालिटी कितना होगा, 1। 2 मोल घुला देते हैं 1 kg में, तो मोलालिटी कितना होगा, 2 मोलल। 3 मोल घुला देते हैं 1 kg सॉल्वेंट में, मोलालिटी कितना होती, तो ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी आप वहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे हैं और नॉर्मलिटी और मोलालिटी में जो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे उसके जगह पर आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ आप वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लिए, तो ये आप पहले से जानते ही हैं, ये आप केजी ऑफ ये कर दिए वेट ऑफ, यहाँ तो यहाँ डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, जी एम डब्ल्यू आप जानते ही हैं, ग्राम मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वहां इस जगह नॉर्मलिटी मोलारिटी बार बार बोल रहे हैं, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, लेकिन जब यहां डब्ल्यू बी में क्या हो गया, बोलिए गिवेन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं लिख दीजिएगा, सॉल्वेंट हो गया, और इसी को ग्राम में, किलोग्राम में रहेगा, तो ये ऐसे कर हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम फैक्टर नहीं होता है। चलिए कॉपी कीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाए, तो देखो हम यहाँ मोलालिटी पर कोई क्वेश्चन लिखे हैं, या पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, एम इजकल टू डब्ल्यू ए बाई जी एम डब्ल्यू इंटू, देखिए जी एम डब्ल्यू हम लिखते, कोई इसको एम ए एम टू ऐसे करके अपना लिखने का तरीके दे, इंटू 1000 बाई डब्ल्यू में हम ए लिखते हैं, कोई 1 लेता है, हम बी लिखते हैं, कोई 2 लेता है, तो अपना माने इससे कुछ है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, गिवेन वेट ऑफ सॉल्यूट आप जानते हैं, जी एम डब्ल्यू सॉल्यूट का ग्राम मोलिकुलर वेट, डब्ल्यू बी क्या होता है, सॉल्वेट का वेट, तो यहाँ डब्ल्यू ए कितना है, 5.85 ग्राम, देखिए यहाँ दिया हुआ, जी एम डब्ल्यू सॉल्यूट का NaCl का आपको पता है कितना होता है, आप 58.5 ग्राम, यहाँ डब्ल्यू बी कितना होता है, डब्ल्यू बी कितना है, 200 ग्राम वाटर का, आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 5.85 बाई 58.5 इंटू 1000 बाई 200, कैलकुलेट कर दीजिएगा जो है सोचे,
दूसरा क्वेश्चन में देखिए लिख रहा है 10% इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 10% इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब होता है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्विंग कितना 90 ग्राम ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा था और वाला बताए थे 90 ग्राम, तो यहां आपका क्या हो गया m इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई जी एम डब्ल्यू इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। तो इसमें आपका क्या हो गया, डब्ल्यू ए कितना है 10, ग्लूकोज है तो उसका आप जानते हो ग्लूकोज का C6H12O6 इसका आप निकालिएगा तो 180 आएगा, 180 हो गया इंटू 1000, डब्ल्यू बी आपका कितना हो जाएगा 90 ग्राम बन गया। ये जो है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और मोलारिटी एंड मोलारिटी, यदि ऑफलाइन रहते क्लास होता तो हम इसको डिराइव करके इंटर रिलेशन बताते, एक थोड़ा लंबा होता लेकिन यहाँ टाइम वेस्टेज हो जाएगा आपका, तो इस पर भी आप ये इसको याद रखिएगा। ये रिलेशन है जहाँ डी क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम ए क्या है, तो ये रिलेशन निकाला जाता है कैलकुलेट करता है। ऑफलाइन रहता तो फिर इसमें 15-10 मिनट इसमें बर्बाद करना, तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन होता है, कॉपी कीजिए आगे हम फिर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जानते ही है, मोल का फ्रैक्शन आपको पता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मोल मान लीजिए Na है, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मोल Nb है, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मोल का फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन क्या है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जानते हैं कोई बात नहीं। तो चलिए यहां देखिए, हमने एक क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है, गिवन वेट मेरा डब्ल्यू ए है, उसका मोलिकुलर वेट है, वैसे ही सॉल्वेंट लिए उसका गिवन वेट मान लीजिए हमारा डब्ल्यू बी है, मोलिकुलर वेट ये है, तो मोल निकल गया, देखिए ये मोल हो गया, ये सॉल्वेंट का मोल हो गया, सॉल्यूशन का क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, ये निकल गया जोड़ दिए। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल, बैठा दिए सिंपल है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बाय सॉल्यूशन का मोल। चलिए आप सिंपल है, अब मान लीजिए दो कंपोनेंट रहे तो हम आसानी से एक का, जैसे जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, यानी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे का क्या कर देते हैं, वन में से आप घटा दीजिएगा तो अभी निकल जाएगा। लेकिन ये कब लगाइएगा, जब दो ही कंपोनेंट होता हो, एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है उसको एक से माइनस कर दीजिए तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है, अलग अलग हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन यदि तीन कंपोनेंट हो, मतलब दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, तो उस समय आपका ये नहीं लगेगा, तो उस समय आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बनवाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम मोल फ्रैक्शन पर लिखे हैं, व्हेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl 3.42 ग्राम ऑफ सुगर डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए हम लोग NaCl का गिवन वेट लिख लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्राम मोलिकुलर वेट हम निकाल लेते हैं, निकाल लिए। सुगर का गिवन वेट दिया हुआ है, हाँ तो इससे हम इसका मोल निकाल लेंगे। सुगर का देखिए, सुगर का गिवन वेट हम लिख लिए, मोलिकुलर वेट सुगर का आप जानते ही हैं त्रिपुरी, इसका मोल निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही वाटर का गिवन वेट 36 है, मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे तो इसका मोल निकाल लेंगे। तो तीन कंपोनेंट हो गया जिसमें दो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो हम लोग तीनों का मोल निकाल लिए, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये सॉल्यूशन का मोल हो गया। देखिए Na प्लस Nb प्लस Nc तीनों को जोड़ लिए, लिख लिए। अब हमको तीनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यदि हमको नमक NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, नमक का NaCl का मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो Na कितना है ये देख लीजिए ये है, और टोटल कितना है ये निकल गया।
फिर हमको शुगर का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो शुगर का मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो शुगर का मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, शुगर का दिया हुआ है देन टोटल दिया हुआ, वैसे ही वाटर का निकालते तो वाटर का मोल बाई टोटल, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है बने, तो एक मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के बीच में ये रिलेशन है। यदि ऑफलाइन रहते हैं तो कैसे ये होता है हम इंटर रिलेशन आपको साबित करके बताते हैं, लेकिन चूंकि ड्राइव करने में फिर आपका 10 मिनट समय लग जाएगा, तो आप याद रखिए इस पर क्वेश्चन बन सकता है या बनता ही है। तो मोलालिटी के बीच में लेना, मोलालिटी, हाँ तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है। क्या है? मोलालिटी इज इक्वल टू दो कंपोनेंट है, तो एक ये एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का है और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और ये एम बी क्या है ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। आप परसेंटेज जो निकालते हैं वो 100 में निकालते हैं, बस 100 के जगह पर 1 मिलियन 10^6 है ना, 1 मिलियन ले लीजिए है ना, तो 10 लाख 10 लाख, तो आप जो परसेंटेज 100 ग्राम लेते थे उसके बदले 10^6 यानी 1 मिलियन ले लीजिए। वही बात है, यदि ये किसके लिए यूज होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मान लीजिए आप किसी पानी टंकी पर चढ़ गए और वहाँ एक मुट्ठी चीनी डाल दीजिएगा, पानी टंकी पर चढ़ के एक मुट्ठी चीनी यदि डाल दीजिएगा तो टंकी का पानी अब क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि आप उसमें क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेगा। क्यों कहलाएगा? कि उसमें बहुत कम मात्रा में आपने एक मुट्ठी जो चीनी डाले हैं और ऊपर से हल्ला करने के, देखो भैया हम तो इसको सॉल्यूशन बना दिए, कह सकते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। हाँ, तो उस केस में आप उसका उसमें एक मुट्ठी चीनी मतलब 5 ग्राम आप मिला दिए हैं उतना पानी टंकी में, तो अब वो पानी क्या कहला गया? सॉल्यूशन कहला गया। तो वैसे सॉल्यूशन को हमको क्या कहते हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी जिसमें सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, तो उसके लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। ये क्या बताता है कि 10^6 ग्राम सॉल्यूशन, यानी पानी टंकी का 10^6 ग्राम यदि आप लेते तो उसमें से कितना ग्राम चीनी घुला हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 10^6 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी घुला हुआ है, है? तो उसको क्या कहेंगे? 2 ppm इक्वल सॉल्यूशन। 2 ppm इक्वल सॉल्यूशन का मतलब 2 ग्राम शुगर घुला हुआ है 10^6 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में ppm को ग्राम में यानी मास के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन ppm का एक और यूज है पॉल्यूटेंट के डिटरमिनेशन में, एयर में प्रेजेंट डिफरेंट हार्मफुल पॉल्यूटेंट, जो एयर पॉल्यूटेंट है उसके अमाउंट को इंडिकेट करने के लिए भी ppm का ज़्यादातर वहाँ यूज किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ स्क्रॉल चलता रहता हर चौक पर, यहाँ पॉल्यूशन कितना SO2 है, कितना N2 है, कितना N2 नहीं SO2 है, डिफरेंट टाइप का जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, डस्ट पार्टिकल कितना, तो उसको ppm में वहाँ एक्सप्रेस करता है। तो वहाँ आप मास के जगह पर वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, यदि तो इसी के आधार पर है यहाँ, तो क्या लिखेंगे? ये पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स, यानी बस परसेंटेज में आप यहाँ कर 100 कर देते थे, यहाँ 1 मिलियन लेना, दैट्स ऑल। ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो सॉल्यूशन के केस में ppm को ग्राम में लेना है, लेकिन यदि पॉल्यूशन को इंडिकेट करना है तो उसको आप वॉल्यूम के टर्म में लेना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिए, देखिए 0.01 ppm इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका क्या मतलब है? 0.01 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए 10^6 ग्राम सॉल्यूशन का लीजिएगा उसमें, समझ रहे? लेकिन जहां देखिए 0.03 ppm SO2 इन चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, ऐसे थोड़ा दिल्ली भी घुमा दे रहे हैं आप लोग, यहाँ बैठे बैठे घूम लीजिए, क्या है? कल्पना में घूमना है। देखिए तो 0.03 ppm ऑफ SO2 इन चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, यानी इसमें
आप पॉल्यूशन का अमाउंट बताना है, एसओ टू यहाँ पॉल्यूटेंट के रूप में है, तो यहाँ आप क्या करेंगे पीपीएम को मास में ग्राम में ना एक्सप्रेस करके वॉल्यूम यानी एमएल में लेंगे, तो क्या करेंगे लिखेंगे 0.03 एमएल ऑफ एसओ टू डिजॉल्व या प्रेजेंट इन कितना 10^6 ग्राम ऑफ एयर, एयर वहाँ सॉल्यूशन का काम कर रहा है, तो ये आप कॉपी कीजिए आगे बढ़े। तो देखिए जैसे मोलारिटी होता है वैसे एक फॉर्मेलिटी होता है, इसका भी कभी कभी यूज होता है। तो देखिए मोलारिटी में यहाँ आप क्या लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में क्या है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट है, तक होता क्या है कि आयन के केस में वो तो आयन के मोलेकुल बोलते नहीं, तो आयन के केस में ये जो आपका मोलेकुलर वेट आया उसको मोलेकुल में नहीं होने के कारण इसको फॉर्मूला वेट बोलते हैं, और इस समय जो मोलारिटी निकालिएगा तो उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, समझ गए। यानी आयन के केस में मोलेकुलर मास मोल निकालते हो ना, मोल निकालते हो ना डब्ल्यू ए बाई जी एम डब्ल्यू निकालते हो ना, तो जी एम डब्ल्यू को ग्राम मोलेकुलर वेट कहते हैं ना, आयन के केस में ग्राम फॉर्मूला वेट बोलेंगे। जैसे ये जो आया 96 वो मोलेकुलर वेट नहीं है फॉर्मूला वेट है, चूंकि ये एसओ फोर टू माइनस क्या है आयन है, एनएच फोर प्लस का निकालते हम तो इस समय एनएच फोर प्लस का जो 18 आया वो 18 इसका फॉर्मूला वेट कहा जाता है, हाँ हम लोग कॉमन यूज में तो उसको मोलेकुलर वेट ही बोलते हैं लेकिन इसको कहा जाता है फॉर्मूला वेट। तो इस समय जो मोल निकालेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे उसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुलर वेट ना बोल के फॉर्मूला वेट बोलते हैं, समझ गए। बस यही है। देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप चीनी को पानी में घुलाते हैं, नमक को पानी में घुलाते हैं, तो कैसे घुलाते हैं तो कितना घुलाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आप पानी लीजिए, मम्मी को आप चाशनी बनाते देखे होंगे, पानी मम्मी लेती है और गर्म करती है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, एक गर्म करके भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो चलिए आप गर्म कीजिए रख दीजिए उस पर पानी को रख दीजिए और उसमें चीनी सेम टेम्परेचर पर गर्म कीजिए, इसमें आप चीनी मिलाइए घुल जाएगा, चीनी मिलाइए घुल जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक गिवन टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, गिवन टेम्परेचर पर उस पानी में जितना आप चीनी मिला करके उस पानी को सॉल्यूशन बना दिए, कैसा सॉल्यूशन बना दिए सैचुरेटेड बना दिए, तो वो पानी उस टेम्परेचर पर जितना चीनी घुला लिया था वो चीनी का अमाउंट उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम के बदले डिफिनेशन किताब में लिखता है इसलिए हम लिखा रहे हैं, नहीं तो 1 kg भी ले सकते हैं ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए सॉल्युबिलिटी को चूंकि 100 ग्राम में लिखा जा रहा था उसको लीजिए। क्या किए 100 ग्राम ऑफ वाटर लिए, एक गिवन टेम्परेचर पर गर्म किए और उसमें उतना चीनी घुलाए ताकि चीनी मतलब सॉल्यूट घुलाए ताकि उसमें घुलना बंद हो जाए यानी वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गए। तो जितना अमाउंट आप चीनी घुलाए हैं उस अमाउंट को निकाल लीजिए, वो उस 100 ग्राम वाटर या किसी सॉल्वेंट का उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, क्लियर दैट्स ऑल। तो देखिए वाटर जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आप मेरा देखेंगे उसमें बड़ी अच्छा से सॉल्युबिलिटी को हम दिखाए हैं, फोटो बनाए हैं, ऐसे तोड़े हैं, ऐसा करेंगे, तो बिकॉज वाटर इज एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज दे हैव हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण जो आयनिक कंपाउंड है उसके बीच का जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इजिली ब्रेक कर देता है। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि कॉजेज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड या वाटर में कैसे घुलता है, तो थोड़ा इसको अपने अंदाज से हम थोड़ा देखते हैं। चलिए कॉपी कीजिए। तो सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए हमने एक बनाया है यहाँ, आप उसको देखिए। कहता है
देखिए, कोई भी सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड के केस में होता है, कोई भी सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड होता है, उसमें क्या होता है, केटायन और एनायन होता है। तो देखिए, आप फोटो को आराम से देखिएगा, हड़बड़ा करके, ये केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन, ऐसे हम एक बनाए हैं, जहाँ हम दिखाएं वही देखिएगा, पूरा मत देखने लगेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, हम जहाँ हाथ को ले जाए उसको धीरे धीरे देखिए, ये मेरा क्या है, आयनिक सॉलिड है, जैसे NaCl होता है, Na प्लस Cl माइनस होता है, तो ये केटायन, ये एनायन, केटायन का साइज छोटा होता है इसलिए, ठीक है। ये देखिए डब्बा बनाए हैं सर, ऐसे बनाए हैं, इस केटायन यानी इसको आप, ये सॉलिड है उसको आप पानी में डालें, ठीक है, पानी, यहाँ पानी है, सब जगह पानी में डालें, यानी आप सॉल्वेंट में डालें, तो पानी में, हम समझाने के लिए पानी बोल रहे हैं, अब किसी सॉल्वेंट में, तो पानी में देखिए ये पानी का मोलेकुल सर है, हम यहाँ 1, 2, 3, 4 को मोलेकुल बनाए, ठीक है, डाल दिए। आप जानते हैं कि यहाँ केटायन और एनायन के बीच में क्या है, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम केमिकल बॉडी में देखे लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दिखाते थे, खैर छोड़िए, अभी यहाँ यहाँ समझिए। अब देखिए यहाँ क्या है, इस केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चलिए, यहाँ आप क्या है, ये सब जगह क्या है, वाटर मोलिकुल्स है, वाटर है, चूँकि हम मान के चले हैं कि यहाँ सॉल्वेंट में आप इसको डाले हैं सॉलिड को, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, देखिए वाटर में देखिए ये O है, ये दोनों H है, तो O पर क्या होता है, माइनस होता है, H पर क्या होता है, प्लस होता है, डाइपोल होता है ना, ये ऐसे आप बनाते हो ऐसे, H पर तो ये स्लाइटली प्लस, ये ऐसे H स्लाइटली प्लस और O स्लाइटली माइनस होता है पोलरिटी के कारण। अब चलिए, अब हम जब इसको डालेंगे तो होता क्या है कि अब ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, किसको खींचेगा, आयन को खींचेगा, नहीं खिंचाव करेगा। यदि इसका इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अट्रैक्शन से, किसके, आयन और डायपोल के इंट्रैक्शन से ज़्यादा होगा, जैसे लोहा को पानी में घुला दो कोई मतलब ही नहीं, तो यदि आयन का इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि आयन और ये मोलिकुल, वाटर मोलिकुल, इसको हम वाटर मोलिकुल को दू वो पोल वाला, इसलिए डायपोल कहते हैं, डायपोल, तो वाटर मोलेकुल यानी डाइपोल और आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से, यदि सॉलिड के बीच का आयन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तब तो सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं, लेकिन यदि डाइपोल और आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, वाटर मोलेकुल और आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इसके, किसके, आयन आयन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, फिर से सुनिए, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स से इसका और इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो वो अब घुलना शुरू होगा, तो कैसे घुलना है, तो डिजॉल्व कैसे करता है, तो डिजॉल्व किसको कहते हैं, सो सुनिए, पहले क्या करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये पहले गैस, यहाँ देखिए ये निकलेगा, कहाँ निकलेगा, सॉलिड के क्रिस्टल से निकलेगा, ये सॉलिड के क्रिस्टल से निकलेगा, पहले ये एक एक निकलेगा, तो इसको हम गैसियस आयन बोल सकते हैं, यानी ये सॉलिड के आयन गैसियस आयन में चेंज होता है, तो ये गैसियस आयन, इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ये पहले गैसियस आयन में चेंज होता है, ठीक है, तो गैसियस आयन में चेंज, इसको लैटिस एनर्जी क्या बोलते हैं, एक मोल आयनिक सॉलिड को अपने कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में चेंज करने को लैटिस एन्थैल्पी बोलते हैं, अच्छा से आप जाकर के पढ़िए, यहाँ इतना समझिए। अब क्या करें, जो ये गैसियस आयन में चेंज हो जाएगा, अब इसको ये देखिए, ये बुलाएगा, आ जा आ जा आ जा, देखिए केटायन को बुलाया और इसको क्या कर दिया, घेर लिया, ये सब और घेर लिया, प्लस वाला है तो माइनस वाला वाटर मोलेक्यूल को ऑक्सीजन साइड वाला घेर लिया, माइनस वाला है तो इसको प्लस वाला घेर लिया, इसको बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन, इसको बोलते हैं एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी में दो प्रक्रिया होता है, क्या होता है, पहले ये गैस में चेंज होता है, जिसको क्या बोलते हैं लैटिस एन्थैल्पी, इसमें एनर्जी लेता है, ये चेंज होने में ये सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जब ये आयन बन जाएगा गैसियस आयन, तब ये मॉलिक्यूल उससे, उसको चारों ओर से क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, घेर लेगा, और इस दौरान एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा, ये यहाँ एब्जॉर्ब होता है और यहाँ रिलीज होता है, और इसको चारों ओर से डिजॉल्व कर लिया, तो इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका लैटिस पहले गैसियस आयन में चेंज हो रहा है, इसमें जो एनर्जी लगता है, एब्जॉर्ब करता है, इसको लैटिस एन्थैल्पी कहते हैं, एंड देन जो गैसियस आयन बना उसको वाटर मॉलिक्यूल चारों ओर सराउंडेड फॉर्म में रखे, तब आप कहते हैं कि सॉलिड मेरा डिजॉल्व कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन।
तो डेल्टा, ये दो प्रोसेस जब हो जाता है तब आप कहते हैं कि घुल गया, और इस दो प्रोसेस में इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। इसमें मतलब इंथैल्पी, टूटने में एनर्जी लेता है, और जब ये बनता है, सराउंड करता है, उस समय एनर्जी रिलीज होता है। तो अब दोनों को जोड़ दिए तो ये मेरा हो गया, इसी को आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो देखिए यदि इसका, इस दोनों का वैल्यू, ये चूंकि एनर्जी लेता है, ये रिलीज होता है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ देखिए, यदि ये सम पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा मतलब दोनों का सम यदि एनर्जी क्या करेगा, प्लस होगा, प्लस होगा मतलब, प्लस का मतलब क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कब करेगा, जैसे हम NaCl के लिए, मान लो एग्जांपल है NaCl के लिए, NaCl यदि डेल्टा HL प्लस में 788 है और डेल्टा H हाइड्रेशन -784 है, यानी इतना एनर्जी रिलीज करता है और इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है किस में, आयन में, चेंज में। तो डेल्टा H सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, +788 -78, यानी ये +4 kJ/mol हो जाएगा। ये प्लस में आया मतलब इतना एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका नमक के केस में, NaCl के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि ये इंडोथर्मिक हो गया, और इंडोथर्मिक के केस में क्या, जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। और दूसरे के एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ये माइनस हो जाएगा तो उस समय सॉल्युबिलिटी को हम लोग टेम्परेचर यदि बढ़ा देंगे, चूँकि एक्सोथर्मी के केस में टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता है। तो मैक्सिमम सॉलिड का जो होता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, कुछ है भी ऐसे भी है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। चलिए कॉपी कीजिए, थैंक्स। तो वो जो आपको हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बताए थे वो आयनिक सॉलिड के केस में बताए थे, लेकिन यदि मेरा, यदि आप पानी में नमक घुलाते हैं तब ना, यदि आप चीनी घुला देते हैं तब, अमोनिया घुला देते हैं, तो ग्लूकोज घुला देते हैं, तो वो क्या है, वो तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी तो आप बताए हैं उस पर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड यदि पानी में या किसी सॉल्वेंट में, खास करके वाटर में यदि घुलता है तो उसका कारण क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से सुन लीजिए, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व क्यों करता है, तो वो वाटर के हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व कराता है, जबकि वाटर में कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड कब डिजॉल्व करेगा, तभी डिजॉल्व करेगा जब वो कंपाउंड वाटर के साथ एच बॉन्ड बना लेगा। तो चलिए, एच बॉन्ड कब बनता है जानते ही हैं, कि जैसे अमोनिया के केस में हम दिखाए हैं कि आप अच्छा से हाइड्रोजन बॉन्ड में देखिएगा, अमोनिया ये वाटर के साथ देख रहे हैं, जब आप जानते हो कि कोई कंपाउंड्स वैसा कंपाउंड जिसमें कम से कम ये बॉन्ड हाइड्रोजन F H O H N इस टाइप का तीनों में से कोई एक बॉन्ड होता है, तो वो कंपाउंड्स क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ अमोनिया में क्या है, NH, देख रहे हैं N और H ये बॉन्ड है, इसलिए वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो दैट्स वाई वो घुल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, हम फैक्टर इफेक्टिव सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लिखे हैं। पहला तो नेचर पर डिपेंड करता है, कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में कब डिजॉल्व करता है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉलिड डिजॉल्व एंड पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन नॉन पोलर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी वाटर में डिजॉल्व करती है, ये आप जानते हैं। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर का अभी भी बात कर रहे थे आप, कि यही यदि डेल्टा एस सॉल्यूशन जिसका पॉजिटिव होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, उसमें एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, यदि डेल्टा एस सॉल्यूशन किसी का क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो वो एक्सोथर्मिक होगा और उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ घटता है। किसका किसका घटता है, आप इसको याद रख सकते हैं, किसका किसका बढ़ता है तो याद रख सकते हैं, और ये दोनों तभी जस्ट आप क्लियर किए। चलिए कॉपी लिए, कुछ ऐसा भी सब्सटेंस है जिसका सॉल्युबिलिटी रेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि यदि आप टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे या टेम्परेचर देंगे तो उसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है, और फॉर्म चेंज हो जाने से उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ जो बिहेवियर शो करता है उसमें चेंज हो जाता है। जैसे Na2SO4.NH2O, ये इसको यदि केवल आप डिजॉल्व कराएंगे वाटर में तो वो इंडोथर्मिक है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इसको आप हीट कर दीजिए, हीट कर दीजिएगा कितना, अप टू 34°C, तो इसके ये हाइड्रेटेड फॉर्म गेट चेंजेज इंटू एनहाइड्रस फॉर्म,
ये Na2SO4 में चेंज हो जाएगा, और इसको यदि आप पानी में डिजॉल्व कराइएगा तो उस समय ये इसको पर्टिकुलरली, तो उस समय आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटता है। तो देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने से इसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म यानी इसका फॉर्म में चेंज हो गया तो बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो ऐसा भी कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला कंपाउंड्स है, तो इसको भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर का प्रभाव। तो हमने नेचर पर देखा, टेम्परेचर पर देखा, किस किस चीज़ पर इफेक्ट किया सॉल्युबिलिटी को, पहला नेचर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा क्या है प्रेशर। तो किसी भी सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हेनरी लॉ ये सब्जेक्ट है। तो थैंक यू, पढ़िए अच्छा से, नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।